कम में शामिल हो चुके हैं वीरेंद्र जी आज भारत बंद कैसा रहा पहला प्रश्न और दूसरा किसान सम्मेलन का आयोजन पिछले कुछ दिन पहले बीजेपी की तरफ से हुआ था जिसमें गन्ना समर्थन मूल्य में 25 रुपए का इजाफा भी किया गया इन सब को लेकर क्या आपकी किस प्रकार की प्रतिक्रिया है देखिए बात बंद और खुला की नहीं है बात है कि सत्ता के खिलाफ खड़े होने की और सड़क पर उतरने की आज जिस किसान के पास छोटे मोटे खेत हैं ट्रैक्टर से बड़ा संसाधन नहीं है वो हजारों हजार की संख्या में सत्ता के खिलाफ बिना किसी संगठन के कि अगर वो सड़क पर उतरते हैं खड़े होते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी इस आवाहन को इस आंदोलन को भले न समझे झुठलाए लेकिन इसमें उसका राजनीतिक नुकसान साफ दिख रहा है वो चाहे जितनी देर तक इसे टालते रहे ये नफा नुकसान उनको खुद देखना होगा लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करीब 110 सौ दस से एक सीटें जो हैं विधानसभा की ये चुनाव में यह आंदोलन उस पर बहुत भारी पड़ने वाला है आप जान जान कर किसी चीज़ को कितना नज़रअंदाज करेंगे भारत जैसे विशाल देश में अगर किसान बंद का आह्वान कर रहा है तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसान को अपने खेत बाड़ी घर परिवार से ज्यादा फुर्सत नहीं होती वो क्यों सड़क पर जाएगा और उतरेगा और रही बात बंदो खुला की देखिए बंद तो सत्ताधारी दल अगर बुलाए तो उसका असर दिखता है बाकी बंद तो बेमानी लोग कह देते हैं कि उसकी परंपरा नहीं इसका कहने का चलन है कि साहब बंद फेल रहा भाई जब पुलिस प्रशासन लाठी डंडा लगा के दुकानें बंद कराई जाए तब माना जाता है कि बंद सफल रहा तो जिस व्यवस्था को लोग देखते आए हैं दे। आज वो इस बंद को अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं कि जो लोग किसान सम्मेलन में आए वो राष्ट्रवादी थे जो नहीं आए वो राष्ट्र विरोधी हो सकते हैं खालिस्तानी हो सकते हैं या राष्ट्र के खिलाफ कोई काम करने वाले हो सकते हैं। खाली सम्मेलन में आना अगर राष्ट्र प्रेम का सर्टिफिकेट है और राष्ट्रवादी होने का तो बीजेपी में चले जाओ वो भी सर्टिफिकेट बांटती है सम्मेलन में आना बीजेपी में जाना ये दोनों एक ही बात है एक नए किसान की किस्म आई अभी विजय शुक्ला हमारे भाई हैं बता रहे हैं राष्ट्रवादी किसान बिल्कुल और ये पराली नहीं ये पराली जलाने जो मुकदमा लिखाते थे ये खाली राष्ट्रवादी पर लिखाया राष्ट्र विरोधियों पर भी लिखाया ओके दूसरा यह है कि बीजेपी की सरकार जितने वादे करके उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी योगी की सरकार ने किसानों को कोई राहत नहीं दे पाई वो महंगी बिजली दे रही है किसान को महंगी बिजली लेनी पड़ती है किसान के गेहूं और धान धान को तो लूट लिया गया सत्रह सौ अठारह सौ रुपए रेट के धान को नौ सौ एक हजार ग्यारह सौ बारह सौ खबर आप चला रहे थे मैंने देखा की बिक्की से मोपेट से स्कूटर बाइक से और एक ट्रक है करिश्माई ट्रक जो तीन घंटे के अंदर कई सौ टन माल धन ढो चुकी है जी ये तो इतिहास है जब कुंभ मेला में स्कूटर से इनके हाँ के ढोए टेंटान गोवा, तो ये धान और ट्रक ट्रक गेहूं माल मोपेड बिकी जो जमाने चले गए जिनको हम लोग बचपन में सुने थे उससे ये ढोए रहे हैं विचित्रता यह है कि इनके अधिकारी सारे नियम कानून तोड़कर भ्रष्टाचार करते हैं लेकिन सारा जुल्म और ज्यादती इनकी पब्लिक के सवाल उठाने वालों पर और मीडिया पर है समस्या इस बात की है कि सारा ये विपक्षी दलों पर मीडिया पर समाज सेवी लोगों पर सारा ठीकरा फोड़ते हैं अफसरों की बेईमानी पर ये कार्रवाई करते करते तो थक चुके हैं या ये कार्रवाई करना मैं नहीं मैं दो सवाल करना चाहता हूँ एक तो अभी हमारे भाई है विजय शुक्ला जी बीजेपी के नेता हैं मुजफ्फरनगर से वो बता रहे थे कि किसानों ने पांच रुपया प्रति क्विंटल की डिमांड की थी उत्तर प्रदेश सरकार ने पच्चीस रुपया बढ़ाया और जब ये घोषणा हुई तो किसान नाचते हुए अपने गाँव गए हाँ नाचते हुए गए और दूसरी बात जो कही वो नहीं बताया जो कोसते हुए गए और जो कोस रहे आप अपना मैनिफेस्टो उठाकर देखिए कि आपने कई रुपया घंटा गन्ना का दाम कुंतल करने की मांग की थी जब बीजेपी सब विपक्ष में थी तो साढ़े चार सौ चार रुपए कुंटल की मांग करती थी इनका सांसद आज कह रहा है चार सौ रुपया कुंतल दो विजय शुक्ला जी पांच रुपया में खुश हैं तो भाई अगर इनके जैसे लोग संतुष्ट होने वाले हो जाएं तो किसान के बच्चे उसको पढ़ाई भी करनी है स्कूल फीस भी देनी है उनको खाना उनको भी बाजार से हर चीज पैसे से मिलती है रुपया अगर बढ़ेगा दाम तो पैसा किलो बढ़ा तो ये अगर इस तरह की चीजों से संतुष्ट होते हैं जी तो ये बड़े बड़े वादे मैनिफेस्टो में क्या कहते हैं तो गांधी को क्या हो गया आजकल चिट्ठी पे चिट्ठी मार रहे हैं है राहुल गांधी के जिले में सबसे ज्यादा किसान है और कम से कम चलिए कोई बेबाकी से बोल रहा है किसानों के मुद्दे पर बीजेपी में बड़ी बात यह है लेकिन कुल मिलाकर यह है कि जिनका जो बड़े बड़े गाड़ियों में चलते महलों में रहते हैं, वो भी किसान के खेत का पैदा किया हुआ खाना ही खाते हैं भोजन गेहूं चावल रोटी जो आती है उनके प्लेट में वो सब किसान के खेत की ही होती है जो आज किसान को तुच्छ समझते हैं नीच समझ रहे हैं कमजोर समझ रहे हैं पता नहीं कब ये आंदोलन खत्म होगा या ये हारेगी बीजेपी तब खत्म होगा ये तो ये खुद तय करें इतने नेताओं की फौज आती है उत्तर प्रदेश में वो क्यों नहीं देखती है कि किसान आंदोलन से बीजेपी को बहुत नुकसान हो रहा है वो क्यों नहीं इनसे बात करती है ये कुछ किसान बुलाकर सम्मेलन कर कर आप अपनी अगर डफली पीट रहे हैं तो ये फौरी हो सकता है ये परमानेंट नहीं है परमानेंट जो रिजल्ट होगा वो इनके लिए बड़ा घातक होगा जी बीरन जी बहरहाल जो लोग सत्ता की कुर्सी पर आकर किसी को कुछ सुनना नहीं चाहते आवाज उठाने वालों के खिलाफ मुकदमे लाते हैं आंदोलन करने वाले किसानों पर को वो देशद्रोही और क्या क्या खालिस्तानी कह सकते हैं तमाम नेता भाई वो इतने अहंकार में हैं कि शायद ये कुर्सी परमानेंट है कभी जाएगी नहीं जब सत्ता में नहीं थे तो बहुत स्नेह और प्रेम से मिलते थे बड़ा सत्कार देते थे बड़ा सम्मान करते थे ऐसा क्या हो गया सत्ता में आते ही लोग समझ नहीं पाते हैरान हैं बहरहाल इन लाइनों से आप समझिएगा कि खफा हो गए वो कि जो कुर्सी मिली क्या से क्या हो गए वो और खुद अपनी नज़र में खुदा हो गए वो उन्होंने कहा कुछ तो फर्म आइए ना और जरा सा सच बोला तो खफा हो गए वो जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरन जी बहुत बहुत